आज हम ब्लेंडर के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले जब भी हम ब्लेंडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हमेशा टेक्सचर्स असाइन होते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट कुछ पिंक कलर का दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब उसके मटेरियल में इमेज टेक्सचर्स मिसिंग है। अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ एक या दो इमेज टेक्सचर ही मिसिंग है तो अपन सिंपली उनको मैनुअली ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ काफी सारे मटेरियल असाइन हो एंड उनके अंदर भी काफी सारे इमेज टेक्सचर हो जो मिसिंग हो, तो इन सभी को अपन सिंपली एक सिंगल क्लिक के द्वारा लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर काफी सारे इमेज टेक्सचर हैं जो यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है। तो इन सभी को एक सिंगल क्लिक के द्वारा लोड करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, देन एक्सटर्नल डाटा में अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे फाइंड मिसिंग फाइल्स का ऑप्शन होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद अपने जो मॉडल का जो टेक्सचर फोल्डर होता है उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपन फाइंड मिसिंग फाइल पे क्लिक करते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट के सारे इमेज टेक्सचर हैं वो सिंपली एक साथ यहाँ पे लोड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सारे इमेज टेक्सचर यहाँ पे लोड हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आप ब्लेंडर के अंदर किसी सीन पे वर्क कर रहे हो या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो एंड आपको उसकी सोर्स फाइल या ब्लेंड फाइल उसको शेयर करनी हो एंड आप चाहते हो कि आपकी जो जितने भी एक्सटर्नल डाटा या इमेज टेक्सचर्स हैं वो आप अपनी ब्लेंड फाइल के साथ ही शेयर कर दो, उसे अलग से शेयर करने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए इन सभी इमेज टेक्सचर को अपन यहाँ पे ब्लेंड फाइल के अंदर पैक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक सीन ले रहा हूँ, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि अपन यहाँ पे एक्सटर्नल इमेजेस भी अपन यहाँ पे यूज किए हैं। इन सभी को अपन अपनी ब्लेंड फाइल के अंदर कंबाइन करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, देन एक्सटर्नल डाटा पे अपन यहाँ पे देख सकते हैं पैक रिसोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है। अपन इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैक्ड ऑल डाटा का यहाँ पे एक आइकन शो कर रहा है। इसका मतलब अपने जितने भी जो एक्सटर्नल डाटा या इमेज टेक्सचर या जो भी अपन ने बाहर से इंपोर्ट किए थे वो सभी इस ब्लेंड फाइल के अंदर पैक हो गए हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो आइकन था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है एंड आप चाहो तो इसे किसी को भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि अपने ब्लेंडर के अंदर जो एसेट लाइब्रेरी है उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट मटेरियल ज्योमेट्री नोड्स HDRI सीन्स काफ़ी सारी चीज़ें अपन यहाँ पे एसेट के रूप में सेव कर सकते हैं। लेकिन एसेट लाइब्रेरी में एक इश्यू ये है कि अगर अपना ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हो तो उसको अगर अपन एसेट के रूप में सेव करते हैं एसेट लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एसेट के रूप में ही सेव हो जाते हैं जो आगे दोबारा इंपोर्ट करने पर सही से वर्क नहीं करते हैं। तो सिंपली इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट का मॉडल ले लेता हूँ, अपन यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं एस्ट्रोनॉट के सभी पार्ट्स को सेलेक्ट कर लूंगा एंड इसको एक कलेक्शन के रूप में सेव कर दूंगा, देन कलेक्शन को मैं यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी के रूप में सेव कर देता हूँ। तो अपना यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो कम्प्लीट एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी के अंदर सेव हो गया है। लेकिन जब अपन इसको अपन दूसरे सीन में इंपोर्ट करते हैं जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में ही इंपोर्ट होता है, यानी इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे वो यहाँ पे सभी लॉस हो जाते हैं जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपली अपन अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, देन Ctrl+A के साथ अपन यहाँ पे देख सकते हैं मैक इंस्टेंस रियल का ऑप्शन आ रहा है, देन इसको क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने जो एस्ट्रोनॉट के जितने भी पार्ट्स थे डिफरेंट डिफरेंट मैश के रूप में शो करने लगे हैं। तो इस प्रकार आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक कलेक्शन के रूप में सेव करके आप उसे एसेट के रूप में क्रिएट कर सकते हो, देन उसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करने के बाद अपन सिंपली यहाँ पे मैक इंस्टेंस रियल के क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे अपना जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपने काफ़ी बार ये नोटिस किया होगा कि आपके ब्लेंडर के अंदर काफ़ी कम ऑब्जेक्ट्स होने के बावजूद भी आपकी जो ब्लेंडर की जो फाइल है उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी आप ब्लेंडर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हो एंड उसको डिलीट कर देते हो तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी जो मटेरियल हैं जो अदर डाटाज होते हैं वो ब्लेंडर फाइल के अंदर ही सेव रह जाते हैं। इसकी वजह से ही ब्लेंडर की जो फाइल होती है उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक सीन ले रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सीन में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन सभी का एक डिफरेंट डिफरेंट डाटा एंड मटेरियल है, लेकिन अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ
और सिंपली एक क्यूब ऐड कर देता हूँ। एंड इसको सेव करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंडर की जो फाइल है उसकी साइज काफी ज्यादा है, क्योंकि अपना जो सीन था उसके ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद भी उसके जितने भी जो मटेरियल थे या डाटा थे वो यहाँ पे अपने ब्लेंडर फाइल के अंदर सेव रह जाते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए सिंपली अपन राइट कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे ऑर्फन डाटा का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पास जितने भी जो मटेरियल थे, डाटा, मैश, लाइट्स, कैमरास, जितने भी थे वहाँ पे सभी यहाँ पे दिखा रहा है। ये सभी डेड डाटा होते हैं, यानी अनयूज्ड डाटा होते हैं। इन सभी को क्लीन करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे पर्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपना पूरा सीन यहाँ पे क्लीन हो गया है, जिसकी वजह से अपना जो फाइल की साइज है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है एंड अपना सीन काफी हल्का हो जाता है, जिससे आपके ब्लेंडर के अंदर भी लोड कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।